सो बीबी आई भी फर्स्ट बैच के जूनियर सेकंड बैच। हाँ भाई बिग फैन। सो थर्ड सेमेस्टर में हमें ना ये वाली क्लास मिली और ये बहुत बेकार क्लास है। तो आज से हमारे थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया और आज हमारी फर्स्ट डे है, तो पता नहीं क्लास होगी नहीं होगी आज, बट हम फिर भी अपने टाइम से चलते हैं। तो फटाफट आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो बस कंटिन्यू करते हैं, क्लास में जाता हूँ, दिखाता हूँ कि क्लास हो रही है या नहीं हो रही। कि ना ऐसा सीन है कि हमारी थर्ड सेमेस्टर में क्लासेस चेंज हो गई हैं, तो हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है। तो अभी बस लोकेशन मंगाई है और उसके बाद क्लासेस ढूंढते हुए चलते हैं। सो इसके पास लोकेशन आई, शायद ये वाली क्लास हो सकती है। तो अभी हम लोकेशन के साथ साथ चल रहे हैं, एक क्लास का वो आया, बाकी देखते जाके वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स है या नहीं है, बच्चे अपने बच्चे। हमारा न्यू टीचर। सो थर्ड सेमेस्टर में हमको ये क्लास दिया है, ये घटिया सी क्लास, बहुत बेकार क्लास है, बच्चों की शक्ल नहीं दिख रही है। तू निकल यहाँ से। सो थर्ड सेमेस्टर में हमें ना ये वाली क्लास मिली और ये बहुत बेकार क्लास है। मैं ऊपर तक आवाज़ उठाऊंगा और ये क्लास चेंज करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। मैं वैसे पढ़ने में लिखने वाला बच्चा हूँ, कम ही पढ़ता हूँ, और यहाँ पे रहा तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाऊँगा। तो इसलिए सबसे पहले काम है क्लास चेंज करवाने का। पहले हमें फर्स्ट सेमेस्टर मिला APJ, सेकेंड में मिली CBT, और ये थर्ड में पता नहीं क्या मिल गया। ये बहुत बेकार क्लास है, फर्राटे चल रहे थे, आवाज़ कुछ आती नहीं कानों में, इसलिए बहुत ज़्यादा बेकार है। तो अभी हमारी जस्ट पहली क्लास ख़त्म हुई है और अब हम जा रहे हैं हैदराबाद घूमने। जब दूसरी होगी तो देखते हैं क्या करना है, अभी तो फिलहाल घूमने जा रहे हैं। क्लास गलती है बड़े हैं, क्या वो है जो यही है ये पर भाई तेरे को बात करनी पड़ेगी, सब बोलोगे तो ये हमारी क्लास का सीआर है, इसको बात बात चल भाई, इसी का काम है क्लास चेंज करवाना। हां चलेगा, चल ले भाई, इधर पढ़ाई नहीं होगी लड़की है। शुक्र को मैं जी सकती हूं, पहचान सकता हूं तेरी जाति का है भाई, वो जाति की है। हां की है कौन का है पूरी सर बोल रहे। तो नहीं, हमारी नहीं, क्लास जो सबसे बेकार है उसका ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये हमारा सीआर है, इसने हमारी इतनी घटिया क्लास ली है। यार रुक जा, शांति तो क्लास में दिखाई आपको, ऐसी क्लास मुझे थर्ड सेमेस्टर में मिली है, ऐसे आप तो मैं पक्का कम नंबर है। भाई जी आपसे डिग्री रीडिंग कर रहे हैं ना, अगले साल हमको वाईफाई नहीं मिलेगा, उसके अगले साल हमको जमीन पे उठा के भाई वाईफाई, फिर AC तो गायब ही हो गया। AC गया भाई हमसे, क्लास बड़ी थी AC वाईफाई के साथ, फिर क्लास छोटी हुई AC वाईफाई के साथ। CBT सही है, इससे बढ़िया तो यार सर्दियाँ आने वाली है, पर काम चल जाएगा, सर्दियों में काम चल जाएगा इधर, मगर यार फिर भी अच्छी नहीं है क्लास, एक तो एडजस्ट चलते हैं तो आवाज नहीं आता सर की। DMS में हो जाएगा, अभी चल रहा है ना वहाँ पे वो, मेरा कुछ नहीं हाल ही रहा था। चलो यार कहीं देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। तो बड़े दिनों बाद APJ घटिया लग रही थी ना, इसके सामने पूरी घटिया, पता नहीं कौन कौन से बच्चे बैठे हैं फर्स्ट ईयर के। सो हमारी सेकंड क्लास का टाइम हो गया, अब हम वहीं जा रहे हैं उसी गंदी सी क्लास में। यार उनका वो ना चलते चलते गेम खेल रहे, उनका गेम रह गया एक, छोड़ दो भाई छोड़ दो, आ जाओ ये देखो गेम खेलते आ रहे दोनों, अब इधर रूम लगा लिया वरना तो कब घर आ जाता। तो वही गंदी सी क्लास में चलते हैं दोबारा। सो हम आ चुके हैं अपनी दूसरी क्लास में, और दूसरी क्लास के हमारे टीचर है मैम, और मैम मुझे पकाऊ सी लग रही है थोड़ी सी दिखाता हूँ मैं वैसे। अब मैंने कैप्चर कर ली जिंदगी भर के लिए। मैं तो भी देख रहा था, बस वो तो कहता केला खाएगी। मैं सोच रहा था यार लंच करूंगा, यहाँ तो लंगर बट रहा है। ओए पापा जी बहुत ज्यादा हो गया।
वहाँ पे लाइब्रेरी के उधर लंच करने गए थे, मगर वहाँ पे पहले से इतने ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, जगह ही नहीं मिली वहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं कहीं घास फूस में, स्पोर्ट्स एरिया में। थोड़ी सी इज्जत सी बढ़ गई मेरी। अभी एक बंदा आया, भाई मैंने रोक के बोला, बंदा कह रहा भाई मैंने आपका ब्लॉग देखा है, ये चारों जल गए, चारों जल गए, कह रहे डैल मार रहा है। ये जगह मिली इनको लंच करने के लिए। क्या कह रहा मैं, कहिए यार उधर ही चल लेते हैं, हम उधर कितना बढ़िया ग्राउंड था। चल भाई लोग अपने काम से मतलब रखते। सो फाइनली लंच करने की जगह मिल गया, मैं इतनी बढ़िया छोटी छोटी घासें, भाई ये तो बड़ी घासों में ले गया था मुझे चूतिया। सो बीबीआईबी फर्स्ट बैच के जूनियर सेकंड बैच। हाँ भाई बिग फैन। तो सारे सेकंड बैच के हैं, फर्स्ट के फर्स्ट हम थे ना, सेकंड आप हो ना। अच्छा फर्स्ट बैच होते हैं ऐसे होते हैं। अच्छा वैसे तो आया भाई, वैसे सेकंड बैच है। सारे बच्चे इतने ही हैं टोटल भाई, चले गए यार। सो अभी एक न्यूज़ आई है जस्ट कि अपने क्लास कैंसिल हो गया है, क्लास कैंसिल हो गया, तो हम घर जा रहे हैं, कोई इधर काम बचा नहीं है। काफ़ी मेरे बीबीआईबी के सेकंड बैच के बच्चे मिले जो मेरे को पहले से जानते थे, उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। एंड अभी पूरे बच्चे अप्रिशिएशन मिला आज बच्चे को, बहुत ज़्यादा मेरा ब्लॉग बनाना सफल हो गया, ब्लॉग बना रहा है आजकल, आज मेरा ब्लॉग बनाना सफल हो गया क्योंकि कुछ भाई मिले, उन्होंने अपना प्यार दिखाया। बाकी ऐसे ही अभी और बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आते रहेंगे, मेरा लक्ष्य है। बाकी चलते हैं गाइस, वो जो दो बच्चे दिख रहे हैं वो बड़े हरामी बच्चे हैं, पहले ही भागने की सोच रहे हैं। तो अभी हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं एसी वाली बस का, अगर वो आज बड़े कंजूस है भाई, बहुत कंजूस है, बहुत ज़्यादा 10 रुपये में ज़्यादा कहता है, इसका मैं कुछ खा लूँगा, ये ज़्यादा बढ़िया है। हमें जाना तो इस वाली बस में, मगर ये उत्तम नगर तक जाएगी, हमें चाहिए तिलक नगर वाली। यहाँ बैठे बैठे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ मेट्रो पर चले जाता हूँ। ये भी अमीर बंदा है, उसके साथ रहता हूँ, गरीब है झूठ बोल रहा है भाई मेरे से। पैदल पहुँच के घर पे, फटाफट जाके ब्लॉग भी अपलोड करना है, तो फटाफट घर पहुँचता हूँ। तो भाई मैं तो कपड़े उतार के अब सोऊंगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर और मेरे को नींद भी आ रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तो निकल बाबा, नाइस डे बाबा। एंड कल भी बोला था, आज बोल रहा हूँ, आई फ्लू जो हो रहा है उससे बच के रहो, क्योंकि एक को होगा घर में और फिर बाकी सबको होगा धीरे धीरे, तो उससे बढ़िया एक कोई ना हो, तो इसलिए बचिए रहो। ओके बाय बाय, मिलते हैं।